नमस्कार दोस्तों पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हूँ आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हम खरीदारी धनतेरस पे जरूर करते हैं परंतु जब ये खरीदारी हमारी राशि अनुसार हो तो जो हमारी खरीदारी होती है उसका पूरा पूरा लाभ जो है हमें प्राप्त होता है तथा हमारे जो नौग्रह होते, है, होते हैं हमें सुख समृद्धि दिलाने में सहायक होते हैं धनतेरस पर खरीदारी करने की मान्यता और परंपरा जो है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की ही तरह भगवान धनवंतरी भी जो है समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे कहते ते हैं जब धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा है धनतेरस के दिन शगुन के रूप में आप जो है सिक्के आभूषण भी खरीद सकते हैं कहा जाता है इस दिन की गई खरीदारी आपको तेरह गुना वृद्धि के साथ आपके जीवन में या उस साल जो है प्राप्त होती है इसीलिए कहा जाता है साल में अगर हम पूरे साल माता लक्ष्मी की पूजा नहीं कर पाते हैं व्रत त्यौहार नहीं कर पाते हैं तो धनतेरस से लेकर जो लगातार पांच दिन होते हैं हमें माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए देसी घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए इसके साथ ही आपको जो है अपनी राशि अनुसार चीजों को खरीदना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो है राशि अनुसार की गई खरीदारी बहुत सा धन लाभ लेकर आई ये जो राशि होगी आपकी कुंडली के हिसाब से होगी यानी कि आपके जन्मदिन के हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो राशि आपकी बनती है उसी के मुताबिक जो है आप खरीदारी करें तथा तो अपने जीवन में बहुत सा धन लाभ जो है धनतेरस वाले दिन लेकर आएँ अब मेष राशि के जितने मेरे भाई बहन हैं उनका स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है ये अग्नि तत्व की राशि है धनतेरस के दिन मेष राशि के जातकों को सदैव चांदी के बर्तन या चांदी के जो गहने होते हैं उन्हें खरीदना चाहिए आप चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना इनके लिए बहुत शुभ रहता है अगर मोबाइल खरीदने का सोच रहे हैं या घर में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है इस दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ चांदी का या इलेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है जरूर खरीदना चाहिए ताकि मंगल ग्रह भी जो है आपको कुबेर देवता की कृपा दिलाने में सक्षम हो जाए इसी के साथ दूसरी राशि जो कि आती है हमारी वृष्ट राशि इस राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं धनतेरस पर इस राशि के जितने जातक होते हैं उन्हें कपड़े खरीदने चाहिए परफ्यूम खरीदने चाहिए ये इनके लिए बहुत शुभ रहते हैं इसके अलावा चांदी या तांबे के बर्तन खरीदने से भी इन्हें जो है बहुत सा फायदा होता है तथा कुबेर देव भी इन पर कृपा दृष्टि बनाते हैं वहीं तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है इनके स्वामी बुध ग्रह माने गए हैं ये वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं इस दिन इन्हें सोना अवश्य खरीदना चाहिए सोने के आभूषण इनके लिए बहुत लाभकारी होते हैं हरे रंग के घरेलू सामान जैसे पर्दा खरीद इनके लिए बहुत शुभ होगा हरे रंग के या हरे रंग का आप जो है बेडशीट खरीद सकते हैं आज के दिन मिथुन राशि वाले जातक सफेद धातु के गणेश जी या स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं जो कि इनके बुद्ध ग्रह को और प्रबल करेगा बुद्धि को देगा तथा गणेश जी की भी कृपा इनको अपने आप ही प्राप्त होने लगेगी वही कर्क राशि के जितने जातक हैं इनका जो स्वामी है चंद्रदेव माने गए हैं यह जल तत्व की राशि है कर्क राशि के जातक जो है चांदी खरीदना इनके लिए शुभ माना जाता है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है कर्क राशि वाले अगर पारस शिवलिंग अगर आज के दिन खरीदते हैं तो सभी दुखों का नाश होता है कर्ज से मुक्ति होती है तथा इन्हें बहुत सा जो है धन लाभ होने लगता है अगर पारत के शिवलिंग आपके घर पर ऑलरेडी हैं तो उन्हें आज के दिन विशेष तौर पर पूजा अर्चना करनी चाहिए वहीं सिंह राशि के जितने जातक हैं इनका स्वामी जो है सूर्य माना गया है अग्नि तत्व की राशि है सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं धनतेरस के दिन तांबे के बर्तन खरीदें कपड़े खरीदें सोने की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं सिंह राशि के जातक इस दिन कारोबार में आ, स्थापित करने के लिए लक्ष्मी या गणेश जी की मूर्ति खरीद कर जरूर लाएं आपके लिए बहुत शुभ रहेगा अगर आपके पास मूर्ति ऑलरेडी है तो आज के दिन जो है अच्छे से उन्हें जो है श्रृंगार करवाएं नए कपड़े पहनाएं तथा उनकी पूजा अर्चना करें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है लाभदायक होगा ये धनतेरस इसके अलावा कन्या राशि के जितने जातक हैं इनके स्वामी जो है बुध ग्रह माने गए हैं ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है कन्या राशि वाले जो जातक हैं धनतेरस के दिन मरगज के श्री गणेश की मूर्ति या सोने के आभूषण खरीदना इनके लिए शुभ माना गया है कन्या राशि वाले चांदी या स्वटीक के श्रीयंत्र भी खरीद सकते हैं अगर आप स्वटीक के माला या दाने भी खरीदते हैं जो कि मोतियों के रूप में आते हैं तो भी आपको जो है उतना ही धन लाभ मिलता है तथा कुबेर का खजाना आपके लिए अवश्य ही खुलता है तुला राशि के जितने जातक हैं इनके स्वामी जो है शुक्र ग्रह माने गए हैं ये वायु तत्व की राशि होती है तुला राशि वाले अगर कपड़े सौंदर्य का सामान या सजावटी सामान चांदी की कोई वस्तु खरीदते हैं तो इन्हें काफी फायदा देखने को मिलता है तुला राशि वाले चांदी का श्रीयंत्र या दक्षिणावर्ती शख खरीदना धनतेरस के दिन इनके लिए जो जितने भी धन के मार्ग बंद हो चुके हैं वो खोल देता है वृश्चिक राशि की जो राशि वाले जितने भी जातक हैं इनका ग्रह जो है मंगल माना गया है ये जल तत्व की राशि मानी जाती है इस दिन आप अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं सोने के आभूषण खरीदते हैं तो उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है साथ ही साथ पूजा करने के लिए आज के दिन आपको तांबे के बर्तन अवश्य खरीदने चाहिए अपने घर की किसी स्त्री के लिए मोतियों की माला अवश्य लेकर आएं जो कि आपको विशेष जो है लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करवाती है साथ ही साथ आपके जीवन में जो है अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति चाह रहे हैं या कोर्ट कचहरी का कोई मामला अटक गया है जमीनी कोई कागज आपका काम अटक गया है तो ये कार्य आपके लिए बहुत शुभ रहेगा साथ ही साथ आप अगर ये कोई कार्य

आप ये जो है दान भी कर सकते हैं अगर दान नहीं करना चाहते हैं धनतेरस वाले दिन तो आप जो है ये अपने पूजा घर के लिए खरीद के लाएं तथा उसे यूज में लेकर आए वही मकर राशि के जितने जातक हैं देव माने गए हैं इनके देव ये पृथ्वी तत्व की राशि है साथ ही साथ मकर राशि वाले को धनतेरस के दिन कपड़े वाहन चांदी के बर्तन या आभूषण खरीदना इनके लिए शुभ माना जाता है इस दिन आप जो है आ, किसी गरीब को दान जरूर करें इस दिन आप जो घर के बाहर सफाईकर्मी आते हैं या ऐसे आ, आपके घर में कोई मेड वगैरह आता है तो उन्हें अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें आज उन्हें कुछ ना कुछ भोजन अपने हाथ से बना हुआ या जो आपकी माता या आपकी पत्नी बनाती है उनके हाथ से बना हुआ भोजन उन्हें जो है अवश्य कराकर ही अपने घर से भेजें कुंभ राशि के जितने जातक हैं इनके स्वामी जो है शनिदेव ही ही गए हैं वायु तत्व की राशि है ये कुंभ राशि वाले जातक अगर धनतेरस के दिन सौंदर्य का सामान खरीदते हैं स्वर्ण फुटवेयर अगर खरीद लेते हैं तो इनके लिए बहुत लाभदायक होगा कुंभ राशि वाले घर के मंदिर के लिए सफेद धातु जो कि स्टील मानी जाती है या चांदी का दीप दान भी लेकर आ सकते हैं जो कि इनके धन के मार्ग अवश्य ही खोलता है हमारी आज की आखिरी राशि जो है मीन राशि जिनके स्वामी बृहस्पति जी माने गए हैं जल तत्व की राशि होती है मीन राशि वाले जातक सोने के आभूषण चांदी के बर्तन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं आज के दिन आपके लिए सफेद धातु जो कि स्टील के बर्तन या अपने पूजा घर के लिए लोटा लाना आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा तथा यह आपके जीवन में जितने भी धन लाभ है या आप अगर कोई पैसा अटक गया है आपको लगता है कि थोड़ा सा धन और आना चाहिए आपके जीवन में तो ये कार्य करने से आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो हर लेंगे कर्ज मुक्ति से भी आपको राहत प्राप्त होगी साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा होगा जैसे हम नवरात्र में जो है ज्वारे बो के अपने साल भर की उन्नति प्रगति देखते हैं दिवाली के दिन भी ऐसा उपाय किया जाता है आप धनतेरस वाले दिन ₹5 का या 5 ग्राम हरा धनिया जो खड़ा हरा धनिया होता है वो खरीद कर लेकर आए तथा इसके बाद जो है माता लक्ष्मी के सामने अगर आपके पास चांदी की कटोरी है या चांदी का कोई बर्तन है तो उसमें रख लीजिए अगर चांदी का कोई बर्तन नहीं है तो स्टील के बर्तन का आप प्रयोग कर सकते हैं पीतल के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं परंतु कांच या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग आप जो है इस कार्य के लिए ना करें माता लक्ष्मी के सामने ये जो है धनिया आप लगातार दिवाली तक रखे रहने दीजिए रात की पूजा करिए दीपावली की तथा दूसरे दिन सुबह सवेरे जब हमारे घर की सफाई करते हैं सफाई करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद आप ये जो हरा धनिया अपने घर के ही गमले में आपके घर में जो गमला होगा या अगर आपके घर में कोई खाली जमीन है तो वहां पर अगर आपके खेत खलियान है तो वहां पर या अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो एक छोटे से गमले में भी आप ये जो है बो सकते हैं बो दीजिए तथा इसके बाद आप जो है इसकी सेवा कीजिए आप जैसे जैसे इसकी सेवा करेंगे तो आपके जीवन में वैसे ही खुशियों का आगमन होगा माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी ऐसा माना जाता है अगर वो धनिया के बीज बहुत जल्दी धनिया दे देते हैं हरा धनिया निकलता है तो आने वाला साल बहुत ही उन्नति प्रगति वाला होगा अगर ये जो धनिया है थोड़ा सा पीला आता है तो ऐसा माना जाता है थोड़ी सी संकट की घड़ी रहेगी साल भर तथा अगर ये धनिया बहुत पतला सा पीला और बहुत छोटा सा होता है या उगता नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा चिंता वाली बात होती है परंतु अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि धनतेरस तथा पूजा की दिवाली पर प्राप्त कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही जो है धनला पूरे साल ही देखने को मिलता है तो भाइयों और बहनों मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों